हम जो भी चीज़ खाते हैं पीते हैं वो ताकत देने वाला होना चाहिए कि ताकत खींचने वाला होना चाहिए? पक्का सवाल ही नहीं है। चलो एक डेमो फिर दिखाते हैं, तो आप ही आओ, आप ही आओ। अभी एक बार हाथ ऐसी करो, बैठे बैठे मेरे पास थोड़ा सा ऐसे ऐसी वैसी हाथ ऐसी करो, हेलो है ना, पकाओ तक। अभी देखो इनको मैं कितना ही ताकत लगा दूं, दोनों हाथ से भी लगा दूं तो शायद इनका हाथ भी फिर अच्छा खासा ताकतवर आदमी है। लेकिन ये पानी पियो जरा, एक घूट से थोड़ा दोनों घट पानी। हाँ फिर से वही ताकत लगाइए अभी तो कमी हो गई, पहले दोनों हाथ लगाया था, पूरी ताकत लगाया था, ताकत आपकी आधे से ज्यादा तो कम हो गई। इससे पीजिए एक घूट, अब मैं दोनों हाथ लगा रहा हूँ, अभी तो नहीं घटी था मैं उतना ही है जितनी पहले थी। अभी केवल मेरा ये सब प्रयोग दिखाने का मकसद केवल इतना है कि अभी हम ताकत घटाने वाला बहुत सा काम कर रहे हैं। फिर सवाल ये उठता है, ताकत घटाने वाला बहुत सा काम कर रहे हैं, हमें समझ क्यों नहीं आता? जैसे हमारे घर में हमको आज भर जीने खाने के लिए हमें जो है 200 रुपए चाहिए, कितना जीने खाने के लिए 200 रुपए चाहिए। हमारे घर घर में जो है 20 लाख रुपए हैं, कितने तो हम खर्चा कितना करेंगे? 200 रुपये, क्योंकि उतना ही हमें चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। लेकिन वो 200 में से जो है 19,80,000 रुपए गायब हो जाए, कितने 19,80,000। हाँ तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए कितने वहाँ से 200। आपको पता नहीं कि आपके बटुए में 20 लाख रुपए हैं। फिर आप दिन भर मेहनत करोगे, कुछ काम करोगे, फिर पैसा बढ़ गया, लेकिन अगला एक आध काम किए तो फिर पैसा। तो ये हमको चूंकि 200 की जरूरत है इसलिए हमें समझ नहीं आएगा कि ताकत हमारी घट गई, मतलब एहसास नहीं होगा हमें, क्योंकि जितनी हमको जरूरत है उतनी व्यवस्था हमारे शरीर में एक संरचना है, वो व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। 1200 एनर्जी हमें चाहिए, 1200 एनर्जी वेव्स, कितनी? आप चाहे स्टील के ग्लास में पानी पियो, चाहे सफ़ेद नमक खाओ, चाहे बाजार का तेल खाओ, आपकी वो एनर्जी 1200 रहेगी, उससे नहीं घट सकती। लेकिन जो उससे एक्स्ट्रा एनर्जी है जितनी भी, ठीक है, मान लो 1500, 2000, 5000, 10000, 20000, जैसे आपके पास 20000 एनर्जी थी, वो घट के इनकी जो है 5000 बची, पानी पी गई, 15000 माइनस हो गई। अब इनको इसलिए पता नहीं लगा क्योंकि इनको ज़रूरत ही जो है 1200 की है, तो पता लगेगा क्या? ऐसे हमने खेती करते समय, अपने जीवन जीते समय ऐसे एक नहीं 20-25 ठो हम ऐसे मुद्दे ले आए, ऐसी बातें ले आए, ऐसी चीज़ ले आए जो हमारी ताकत लगातार कम करती। जैसे स्टील के बर्तन का उपयोग हर घर में होता है, हमें पता ही नहीं, पानी पिए ताकत घट गई। फिर हमने श्वास लिया, पूरा श्वास लिया, श्वास में बहुत ताकत, क्यों? ऑक्सीजन है, ताकतवर चीज़ है, तो ताकत हमारी बढ़ गई। तो ताकत घटने में आपने काम किया, बढ़ाने में प्रकृति ने काम किया और ऑटोमेटिक किया। इसलिए कमाया आपने नहीं, इसलिए घटने का आपको कोई क्या नहीं है, कोई दुख नहीं। कमाए होते आप तो दुख होता। अभी जैसी श्वास लोगे आप,
ऑक्सीजन भरपूर जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो, जैसे इनकी कैपेसिटी 20,000, तो इनका इनका जो है एनर्जी श्वास लेने में तो लाखों कैलोरी एनर्जी आती है, पर हमारी क्षमता 20,000 की, इनकी तो 20,000, आपकी 5 है तो 5,000, किसी की 2 है तो 2,000, जैसे वो जैसी श्वास लेगा और 3-4 श्वास में फिर 2,000 फिक्स हो जाएगा। फिर एक आध उसने काम किया, नमक खा लिया सफ़ेद वाला, ठीक है, बाजार का तेल खा लिया, ठीक है, प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ गए, आपकी एनर्जी घटनी शुरू हो गई। वो पत्ता पकड़ लिया आपने, कौन सा पत्ता था वो जो पकड़े थे, लेंटा क्या बोलते हैं, उसकी एनर्जी इनकी 20,000 पूरी ख़त्म हो गई थी, केवल 1,000 बची होगी, 19,000 गायब कर दिया था, है कि नहीं है, टोटल ख़त्म। तो हमने ऐसे पत्ते पकड़ लिए, वो खा लिए, खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। अब बीमार क्या होता है वो समझिए, 1200 की एनर्जी में आप जो है खाना पीना चलना उठना खेत में खाना कर सकते हो, मजदूरी नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन मजदूरी करना है तो 1800 एनर्जी मिनिमम चाहिए, लेक्चर देना है 3 घंटे का भाषण देना है तो भी 1800 एनर्जी चाहिए, बोलने में भी बहुत ताकत खर्च होती है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि आपका एनर्जी जो है 1200 से जब कम होना शुरू हो जाएगा तो आपके धीरे धीरे गतिविधि कम हो जाएंगे, आपको नींद आएगी, ठीक है, हाथों में ताकत नहीं बचेगी, पैरों में ताकत नहीं बचेगी इसकी चलने की। लेकिन जैसे ही 600 से कम होगा, अब आपको चलने की ताकत ख़त्म हो गई, आप केवल लेटे लेटे बोल सकते हो, वो भी 2-4 शब्द जरूरत के, उससे भी कम हो जाएगी तो बोलना बंद हो जाए, केवल देख सकते हो बस, आप पल के झपका सकते हो, और 100 से एनर्जी जब कम हो जाएगी तो पल के भी बंद हो जाएगी, और जिस दिन 0 हो गई एनर्जी हमारा अंत हो जाएगा, मतलब प्राण नहीं रहेंगे, मतलब जब तक प्राण है इस शरीर में तब तक हमारी एनर्जी 0 नहीं हो सकती, किसी न किसी माध्यम से एनर्जी आपके शरीर में जनरेट हो जाएगी, 7 चक्र हैं वो कर लेंगे। अब मुझे एनर्जी साइंस नहीं समझाना, ये सब समझाने के लिए मुझे 20 घंटे लगते हैं, ये एक अलग विषय है। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि मिट्टी को छूते ही आपकी ताकत घट गई तो जो बीज हम डालेंगे वो बीज के बढ़वार में मिट्टी उसको ताकत देगी क्या? नहीं, नहीं, वो तो लेगी, बीज डालेंगे बीज में ताकत है उससे भी ले लेगी मिट्टी, फिर बीज अपने दम पे जगेगा, अपने दम पे बढ़ेगा, फिर अपने दम पे वो जो है एनर्जी इकट्ठा करेगा, कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से, हवा से, उसको भी मिट्टी क्या कर लेगी, तो वो बेचारा, एक तो मिट्टी उसको दे नहीं रही ताकत और दूसरा क्या कर रही है, खींच रही है, तो वो अपने दम पे पता नहीं कितना बढ़ पाएगा, कितना फूल आएगा, कितना फलेगा और कितना उत्पादन देगा। जब उसकी ताकत कम होगी तो बीमारी भी उसको अटैक, भाई यहाँ पर सबसे पहले बीमार कम होगा जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम हो, वो पहले बीमार होगा, चाहे सर्दी हो, खांसी हो, चाहे कोई बीमारी हो, मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? तो एनर्जी लेवल कम होगा तो 10 ठो बीमारी आएगी और उत्पादन नहीं आएगा। कोटन करो उपाय, कोटन करो उपाय का मतलब है क्या बोलेंगे उसको मराठी में, करोड़ों उपाय, करोड़ों उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ, हाँ कुछ भी कर लो आप, पौधे में ताकत नहीं रहेगी तो कुछ भी कर लो, कितनी बार जोतो, बखरो, स्प्रे करो, कुछ करो, आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। अभी आप लेकिन क्या करते हो, एनर्जी मिट्टी खा रही है लेकिन ऊपर से एनर्जी बार बार दे रहे हो आप, कई तरह की 19-19-19 का स्प्रे करोगे, कुछ करोगे, कुछ करोगे, तो ऊपर से पत्ते से खाना शुरू कर देगा प्लांट। आपने देखा होगा पत्ते से भी पौधा खाना खाता है, खाता है कि नहीं खाता है? हम 19-19-19 का स्प्रे करते हैं, जिंक का, सल्फर का, सब तो करते हैं। तो जब मिट्टी से खाना नहीं बनेगा तो मिट्टी से अपने आप को तोड़ेगा पौधा, और पत्तियों से जितना खाना खाएगा, क्योंकि हर पौधा, इस प्रकृति का हर जीव प्रजनन करना चाहता है, प्रजनन करना यानी अपनी संतति बढ़ाना यानी बीज बनाना चाहता है। हम जो अनाज खा रहे हैं वो अनाज है कि बीज है? बीज है, अनाज तो हमने किया उसको, तो हर पौधा बीज बनाना चाहता है,
चाहे फिर आधा अधूरा क्यों ना बनाए। तो आज के बीज भी आधे अधूरे आ रहे हैं, उनके अंदर कहीं पोषक तत्व तो नहीं है, स्वस्थ बीज नहीं है। तो पहला तो ये कंसेप्ट है, हम इसको सुधार ले, अपने आप प्रोडक्शन बहुत आएगा। फिर दूसरा कंसेप्ट है व्यवस्था।